No. ओपेरॉन मॉडल। अब हम बात करेंगे ओपेरॉन मॉडल की, जिसमें क्या है, इंडक्शन एंड रिप्रेशन वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1961। इंडक्शन और रिप्रेशन, ये जो ये दोनों जो है, ये सबसे पहले कब बताए गए थे, कब इनको बताया गया था, तो 1961 में इनको बताया गया था। और कौन बताया था, जैकोब और मोनार्ड। ये दो जो साइंटिस्ट हैं, ये बेसिकली बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको जरूर याद होना चाहिए, कोई हो ना हो याद, ये दोनों जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है नेम द साइंटिस्ट ऑफ ओपेरॉन मॉडल। तो आप बताओगे कि एफ जैकोब और मोनार्ड, जे मोनार्ड, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया था कि इन्होंने 1961 में सबसे पहले इंडक्शन और रिप्रेशन को बताया था, फिर साथ ही साथ इन दोनों को 1965 में नोबेल प्राइज भी मिला था इस चीज पे, ठीक है। इनको क्या हुआ था कि इसी चीज में नोबेल प्राइज भी मिला था। दे पर्पज द ओपेरॉन मॉडल, इनका बेसिक पर्पज क्या था, ओपेरॉन मॉडल का पर्पज था। और इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था कि इन्होंने ओपेरॉन मॉडल में क्या किया कि किस तरह से जीन का रेगुलेशन होता है, किस तरह से कोडिंग होती है, कौन सा एंजाइम लैक्टोज के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा एंजाइम जो है इकोलाई में लैक्टोज को यूटिलाइज करता है, ठीक। तो बेसिकली इन्होंने इस चीज को बताया, इनका मेन जो पर्पस था वो यही था। क्या था इनका मेन पर्पस, कि उन्होंने रेगुलेशन ऑफ जीन को एक्सप्लेन किया, फिर जीन कोडिंग को इन्होंने बताया, साथ ही साथ कि कौन सा लैक्टोज एंजाइम ई कोलाई में क्या हो, यूटिलाइज हो जाए, इस पे भी इन्होंने बताया था, ठीक। अब देखो, मैंने आपको कल क्या बताया था, मैंने आपको कल बताया था कि जो लैक्टोज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप एक और चीज जान लो कि जो लैक्टोज है, बेसिकली हमने जब देखा था लैक्टोज, तो ये कहाँ के केस में ज्यादा पड़ते हैं, तो हम इंडक्शन के केस में ज्यादा पड़ते हैं, ठीक है बेसिकली। और हमने इंडक्शन के केस में ये देखा था कि इंडक्शन में कैटाबॉलिक जो पाथवे है वो प्ले होता है, ठीक। कौन सा पाथवे चलता है, तो कैटाबॉलिक। और सबसे एक और कॉमन चीज कि इंडक्शन में वो टर्न ऑन की कंडीशन पे होता है, ठीक। वही रिप्रेशन के केस में हम देखें, तो रिप्रेशन के केस में हमने देखा था कि ये एनाबॉलिक एज वेल एज मेटाबॉलिक, इन दोनों वे को लेके चलता है। और हमने क्या देखा था रिप्रेशन के केस में, तो हमने रिप्रेशन के केस में देखा था कि ये टर्न ऑफ की कंडीशन पे प्ले आउट करता है, ठीक। कौन सी कंडीशन पे करता है, टर्न ऑफ की कंडीशन पे। और सपोज अगर रिप्रेशन हो रहा है और उस समय टर्न ऑन कंडीशन चली है, तो उस समय क्या होगा कि जो रिप्रेशन होगा वो रिप्रेशन ना होके उसको हम डी रिप्रेशन बोलेंगे, ठीक। क्या बोलेंगे, डी रिप्रेशन। इन सब चीजों से हम फैमिलियर हैं। और हमने क्या देखा था, हमने ये भी देखा था कि इंडक्शन में जो सोर्स होते हैं, जो एनर्जेटिक सोर्स होते हैं, वो सोर्स कौन से होते हैं, तो वो लैक्टोज होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, ये सारे सोर्स होते हैं, ठीक। लेकिन वही जब हमने रिप्रेशन के केस में देखा था, तो रिप्रेशन के केस में हमने देखा था कि जो एनर्जेटिक सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एमिनो एसिड हुए, यूरिक एसिड हुए, ये सारी चीजें भी एसिड्स होते हैं, मतलब बेसिकली क्या बात करते हैं, ऑर्गेनिक चीजें जो होती हैं वो होती हैं, ठीक है। नाउ ये हमारा क्लियर हो गया कि ओपेरॉन मॉडल किसने दिया, तो जैकोब मोनार्ड ने दिया था, 1961 में इन्होंने बताया था। और इन दोनों लोग को इसी चीज पे 1965 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, ठीक। नाउ अब ये क्या है, देखो ये बेसिकली बात कर रहा है, एक छोटा सा व्यू दे रहा है आपको, एक छोटा सा मतलब क्लू दे रहा है, ठीक है, आगे चीज समझाने के लिए आपको एक पॉइंट दे रहा है। अब देखो, तो ये ओपेरॉन है और एक कंपोनेंट की बात कर रहा है, तो बेसिकली ओपेरॉन है क्या, ये क्या है, ये चीज आपको क्या है, ये डीएनए है, ठीक है, ये आपका डीएनए है। अब देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रमोटर ऑफ रेगुलेटर जीन, ठीक, पीआर, जो प्रमोटर ऑफ रेगुलेटर जीन होता है उसको हम पीआर बोलते हैं, और रेगुलेटर जीन को हम क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं सिर्फ। तो ये जो जीन है यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि जो जीन रेगुलेट हो रहा है उसको प्रमोट कर रहा है। अब अगर हम इंडक्शन के केस की बात करें, तो कल हमने बताया था कि तीन इंडक्शन में तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक हमने बताया था इंड्यूसिबल जीन, दूसरा बताया था इंड्यूसिबल एंजाइम, तीसरा बताया था इंड्यूसर, ठीक है, याद है जब मैंने बच्चे वाली इमेज दी थी,
कि बच्चा है बहुत अपसेट है, उसको अपने पे कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो कर पाएगा, तो वो क्या हो गया था बच्चा उस समय, इंड्यूसिबल जीन हो गया था। और उसके बाद जैसे कि पेरेंट्स और टीचर है उसको प्रमोट किए कि नहीं यू कैन डू यू विल डू, तुम कर सकते हो, तुम ही हो जो इसको अच्छे से कर लोगे, चिंता बिल्कुल मत करो, तुम बिल्कुल इसको अच्छे से कर लोगे। तो वो क्या कर रहे थे पेरेंट्स और टीचर, इंड्यूसर हो गए थे। और इंड्यूसिबल एंजाइम कौन सा एंजाइम हुआ कि वो प्रोडक्ट, वो रिजल्ट, जब बच्चे ने उस चीज को अचीव कर लिया, अपने गोल को अचीव कर लिया, तो वो चीज जो क्या हो गया था, इंड्यूसिबल एंजाइम हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो प्रोमोटर है, तो प्रोमोटर अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये पीआर है। पीआर को हम प्रोमोटर प्रोमोटर ऑफ रेगुलेटर जीन बोलते हैं, और रेगुलेटर जीन को हम सिर्फ जी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इतनी बात चली। अब समझो यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का काम हुआ। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन क्यों आता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ कि सिर्फ एक प्रोटीन बन के वो चीजें फॉर्म किया, लेकिन ट्रांसलेशन में क्या हुआ कि प्रोटीन बनने के बाद उस चीज को ट्रांसफर किया, और साथ ही साथ उस प्रोटीन को एक सीक्वेंस में उसने कोड किया। ठीक, ओके। और बेसिकली ट्रांसलेटर की हम बात करें तो इसमें आरएनए, जैसे कि टीआरएनए हो गया, एमआरएनए हो गया, तो इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, देखो अब क्या हुआ कि जो ये रेगुलेटर जीन है, ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के दोनों प्रोसेस को क्रॉस करते हुए कहाँ पे आया, रिप्रेशर में आया। ठीक, वही हम दूसरी तरफ देखें, ओपेरॉन पे चीज देखें, तो ओपेरॉन में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे पीआर है, ठीक, प्रोमोटर ऑफ, सॉरी पी है, प्रोमोटर ऑफ ओपेरॉन, फिर आपका सिर्फ पी है, तो वो सॉरी ओ है, तो ओ क्या है आपका, ऑपरेटर। तो प्रमोटर ऑफ ओपेरॉन क्या हो जाता है कि वो पी से डिनोट करेंगे और ऑपरेटर को ओ से। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जीन है, जो जीन का पूरा स्ट्रक्चर बना, जैसे कि SG1, SG2, SG3, ठीक है, तो इन जो पूरे चीज जीन में, वो चीजें जिसके अंदर प्रमोटर ऑफ ओपेरॉन, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन, ये तीनों चीजें इन्वॉल्व हो, उसको हम बोलते हैं ओपेरॉन। ठीक, इसमें बेसिकली क्या होता है, तो ओपेरॉन में ये क्या काम करता है, ये इंड्यूसर का काम करता है। ये इफेक्ट यहाँ पे क्या होता है कि अगर इतनी चीज को कट कर दो, तो आप कट करने के बाद एक चीज देखो कि ये क्या है, ये आपका रिप्रेशर की बात कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है, ये आपके इंड्यूसर की बात कर रहा है। ठीक है, इंड्यूसिबल की बात कर रहा है। देखो तो आप एक चीज और ध्यान रखो कि आप कैसे इसको क्लियरिफाई करोगे कि ये इंड्यूसर है, ये रिप्रेशर है। हाँ, वो बात की बात है कि अभी इसको हम एक एक को उठा के डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में पढ़ने से पहले, जैसे कि हमने भी प्रीवियस, जस्ट अभी क्लास स्टार्ट करते ही मैंने प्रीवियस जो पढ़ाया उसको रिकैप करा दिया। ठीक है, तो सेम उसी तरह अगर आपको वो पॉइंट सारे याद है, तो आपको एक चीज याद आना चाहिए कि उसी समय मैंने ये बताया था कि जो रिप्रेशर है उसमें क्या होता है कि किसी भी चीज को ज्यादा मतलब उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, जरूरी नहीं है कि हर चीज टर्न ऑन हो, या फिर जो जो मतलब लैक्टोज है, ग्लूकोज, वो प्रेजेंट हो, उसको तो नॉर्मली सिर्फ आप एसिड दे दो। ठीक, ऑर्गेनिक जितनी भी चीजें उनको उठा के दे दो। लेकिन अब वही हम बात करते हैं कि इंड्यूसर की, तो इंड्यूसर के केस बोलो, और या फिर आप इंड्यूसर बोलो उसको देखते हैं चीजें। देखो तो इंड्यूसर के केस में आप क्या देखोगे कि वहां पे क्या आपको चाहिए होगा, तो वहां पे आपको लैक्टोज, ग्लूकोज, ये बेसिकली चाहिए ही होगा। ठीक है, अब जब आपने लैक्टोज पढ़ा था तो आपने देखा था ना कि जो लैक्टोज है वो तीन एंजाइम से, या कहते हैं क्या करता था, अपना एंजाइम से सिंथेसिस करवाता था। और वो एंजाइम क्या थे कि बेसिकली उनका नाम किस पे डिपेंड था, तो बीटा ग्लैक्टोसाइड, ठीक है, इस पे डिपेंड था। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि सारी चीजें, अब ये सब एक सीक्वेंस में, इसको डिवाइड मत करो, चलो ये एक सीक्वेंस में, ये पूरा ये बताता है कि इतना प्रोसेस होने के बाद, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस होने के बाद, रेगुलेटर जीन से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जब आएगा तो ये रिप्रेशर का बात करेगा। ठीक, वहीं पे ओपेरॉन में क्या होगा कि ओपेरॉन जब इंड्यूसर में क्या होगा कि ओपेरॉन रहेगा, जब उसमें प्रमोटर ऑफ ओपेरॉन होगा, ऑपरेटर होगा, स्ट्रक्चरल जीन्स आएंगे, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे इंड्यूसर की बात करेगा। ठीक, नाउ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय टू एलिमेंट्स,
देखो अब ये बात क्या कर रहा है कि जो स्ट्रक्चर जीन, अगर कोई स्ट्रक्चर जीन है उसका, जैसे कि स्ट्रक्चर जीन कैसे है, ये कौन नॉर्मली जीन हमारा समझो, ठीक, ये डीएनए है। अब इसमें मैंने कट करके अलग अलग कर दिया। अब ये जो जीन्स हैं, जीन 1, 2, 3, 4, समझो चार हैं अलग अलग, ये सारे जो जीन्स हैं इनका जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये दो एलिमेंट के जरिए रेगुलेट होंगे, मतलब इनको संचालित करने वाला या फिर इनको चलाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन का केस है। याद रखना, ट्रांसक्रिप्शन के केस में स्ट्रक्चर जीन को चलाने के लिए दो एलिमेंट की, दो तत्वों की हमें जरूरत पड़ेगी। वो दो तत्व कौन से हैं? तो पहला तत्व है रिप्रेशर, दूसरा तत्व है ऑपरेटर। अब आप एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे इंड्यूसर वर्ड कम यूज होगा, इंड्यूसर वर्ड की जगह ऑपरेटर आप देखोगे हर जगह, ठीक। तो स्ट्रक्चर जीन को चलाने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ रही है, वो दो चीज क्या है? पहला है रिप्रेशर, दूसरा है ऑपरेटर। रिप्रेशर ऑब्लिक रेगुलेटर। अब हम चाहे बात करें रिप्रेशर की या फिर रेगुलेटर जीन की, इन दोनों जीन को अगर हम बात करें तो इनकी कोडिंग कैसे होगी, इनका कोड कैसे होगा? तो इनका कोड जो होगा वो रिप्रेशर प्रोटीन से होगा। चाहे रिप्रेशर जीन हो चाहे रेगुलेट जीन हो, इनके कोडिंग के लिए कौन आएगा? तो इनके कोडिंग के लिए रिप्रेशर प्रोटीन आएगा। अब स्वाभाविक से चीज याद रखो, अगर आपको एक एक वर्ड नहीं समझ आ रहा है, समझो आप सोच रहे हो कि एकदम किताबी भाषा हो जा रही है, तो देखो एक चीज याद रखो, एक स्वाभाविक सी बात याद रखो कि अगर कोई जीन है, ठीक, आपको अच्छे से पता है कोई जीन हो गया, कोई सेल हो गया, कुछ भी फॉर्मेशन होती है तो बेसिकली किसकी जरूरत होती है? प्रोटीन की। उसके बाद प्रोटीन की हमको जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली सेम उसी तरह अगर हम बात करते हैं रिप्रेशर या फिर रेगुलेटर जीन में, तो उसमें हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई भी जीन है या फिर कोई भी डीएनए या फिर कोई क्रोमोसोम या फिर कोई सेल, कुछ भी बन रहा है, कुछ भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए जब भी कोडिंग की बात आए तो वहां पे आप एक छोटी सी कॉमन सेंस यूज करना कि प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पे आप देख लेना कि रिप्रेशर और रेगुलेटर जो जीन है उनको कोड करने के लिए हमको रिप्रेशर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। रिप्रेशर अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। अब देखो जो रिप्रेशर है उसके लिए एक अप्रोप्रिएट, मतलब एक जो दिया हुआ कंडीशन होता है वह होता है, मतलब एक समझो एक कंडीशन दिया हुआ है, जैसे कि समझो कोई सिक्वेंस दिया हो, जैसे सिक्वेंस दे दिया यू ए जी, यू जी सी, ये सिक्वेंस दे दिया, ठीक है। अब इस सिक्वेंस में एक इसका जो कंडीशन दिया हुआ है, इसका जो वर्ड दिया, स्पेसिफिक सिक्वेंस दिया हुआ है, इसी कंडीशन इसी वर्ड में क्या होगा कि जो ऑपरेटर सिक्वेंस है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक। अब जैसे ये, अब फिर आगे चलेगा, कोड में क्या होगा है वो बनता हुआ चला जाएगा, और वो जो सीक्वेंस है बनता हुआ जाएगा। तो कैसे, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस डायग्राम, ये डायग्राम देखा, बड़ा हौच-पौच हो गया है। तो इस डायग्राम में हमने क्या देखा कि बेसिकली अगर आप एक चीज गौर तलब करो तो आप देखोगे आराम से कि यहाँ पे क्या हुआ कि पहले रिप्रेशर की बात चली थी, ठीक, ये जो रिप्रेशर, इसकी बात चली, रिप्रेशर ने एक इसको कोडिंग सीक्वेंस दे दिया। अब यही जीन, यही चीज, ये जो ऐसे डॉट डॉट हुआ है ना, डॉट डॉट होने का यह मतलब होता है कि यही चीज आगे प्रोसीड हो रही है। इसने एक सीक्वेंस दे दिया, यही सीक्वेंस लगातार ये ऑपरेटर भी कंडक्ट करा रहा है, ठीक। तो यही चीज क्या होता है कि जो रिप्रेशर है वो सीक्वेंस दे देता है, एक अप्रोप्रिएट सीक्वेंस दे देता है, कंडीशन पे दे देता है, जो कि जो ऑपरेटर है उसको क्या करता है, अपने साथ लेके चलता रहता है, ठीक। ऑपरेटर इज लोकेटेड जस्ट जस्ट अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। अब कह रहा है कि जो ऑपरेटर है वो स्ट्रक्चर जीन के ऊपर होता है लोकेटेड। कैसे, देखो कैसे हुआ। अब लोकेट इस तरह से हुआ कि समझो ये हमारा स्ट्रक्चर जीन है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जीन है। तो इसको अगर आप देखो, ऑपरेटर की बात करो, ऑपरेटर बोलो चाहे ऑपरॉन बोलो, अगर आप देखो तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ रही है, ऑपरॉन के अंदर। इस वजह से कहा जाता है कि जो ऑपरेटर है ये क्या काम का होता है कि ये स्ट्रक्चर जीन के सीक्वेंस से ऊपर क्या होता है, शो करता है, दिखता है, ठीक ना।
और बेसिकली एक चीज और, हाँ, अप स्ट्रीम का मतलब ये होता है ना कि जैसे कि कोई चीज ऊपर की तरफ इससे जा रही हो तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अब वही चीज अगर नीचे की तरफ आ रही हो तो उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। ठीक, अगर ये चीज ऐसे ऊपर चल रही है, जब कोई चीज ऊपर ऐसे जा रही होगी, ऐसे करके सीक्वेंस बना रहे, डायग्राम बना रहे, तो आप समझ लेना कि वो क्या है, आपका ऑपरेटर है। और जो चीज थोड़ा सा उससे नीचे जाए तो आप क्या समझ लेना, वो स्ट्रक्चर की बात कर रही है। ठीक, देखो कंपोनेंट ऑफ ओपेरॉन मॉडल। अगर हम ओपेरॉन मॉडल के कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कंपोनेंट में, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि व्हेन रिप्रेशर इज बॉन्डेड टू द ऑपरेटर, जब रिप्रेशर ऑपरेटर से जुड़ा हुआ होता है, स्वाभाविक से बात है कि जो रिप्रेशर है वो ऑपरेटर से जुड़ा ही रहता है। लेकिन उस कंपन उस समय की बात कर रहा है, ओपेरॉन मॉडल की उस मॉडल की बात कर रहा है कि जब रिप्रेशर ऑपरेटर से जुड़ जाता है। ठीक, बॉन्ड मतलब होता है जुड़ा हुआ, बंधा हुआ रहता है, तो उस समय क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर जीन कैन नॉट अकर। तो उस समय क्या होता है कि जब रिप्रेशर, ये जब आर और पी एक साथ बॉन्डेड होते हैं, तो उस समय ट्रांस जो ट्रांसक्रिप्शन होता है स्ट्रक्चर जीन का, वो नहीं आता है, आरएनए पॉलीमरेज नहीं करता है, क्या नहीं करता है, प्रमोटर साइट्स को बॉन्डिंग करने का काम नहीं करता है। लेकिन जब ये दोनों अलग हो जाती हैं, या फिर इनमें थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है, या फिर एक प्रेजेंट होता है एक एब्सेंट हो जाता है, तो उस समय क्या होता है कि जो स्ट्रक्चरल जीन है वो वर्क करता है। ठीक, तो हमने इसे क्या देखा, हमने ये देखा कि जब आर और पी मतलब रिप्रेशर और ऑपरेटर एक दोनों साथ दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं या फिर बॉन्ड जुड़े हुए होते हैं, तो उस समय ट्रांसक्रिप्शन का काम मतलब स्ट्रक्चरल जीन मतलब वो प्रोटीन जो बना रहा है उस समय वो क्या होगा, वो मौजूद नहीं रहेगा। ठीक, लेकिन जब ये दोनों थोड़ा सा अलग हो जाएंगे या फिर एक टर्न ऑफ हो जाएगा एक टर्न ऑन रहेगा, तब उस कंडीशन में ये फॉर्मेशन अपना करेगा। लेकिन जब एक साथ होंगे तब ये फॉर्मेशन नहीं करेगा। नाउ ओपेरॉन द कंप्लीट कंटिजियस यूनिट इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर जीन द ऑपरेटर एंड प्रमोटर इज कॉल्ड ओपेरॉन। अब ये ओपेरॉन की बात क्या कर रहा है, अगर आपको कभी एक्सप्लेन करना हो कि व्हाट इज ओपेरॉन, ठीक है, जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताइए ओपेरॉन क्या होता है, तो बेसिकली आप हर जगह तो आप डायग्राम बता नहीं सकते बना के। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो आपको खुद से ओरली एक्सप्लेन करना होगा, तो उस समय आप क्या बताओगे कि जब एक कंप्लीट सीक्वेंस यूनिट का हो, ठीक, एक यूनिट का जब सीक्वेंस कंप्लीट हो, जैसे कि अभी मैंने यूनिट का सीक्वेंस कैसे कंप्लीट होगा, सेट ऑफ जीन्स, हाँ ठीक है सेट ऑफ जीन्स, ठीक है, लेकिन आप एक कंप्लीट सीक्वेंस, जैसे कि अब मैं कंप्लीट सीक्वेंस की बात करूं कि ये क्या है, ये ओपेरॉन है ना, रुको, ये देखो ये ओपेरॉन है ना, तो ओपेरॉन में क्या है कि एक पूरा एक कंप्लीट सीक्वेंस है। ठीक है, अब वो सीक्वेंस कैसे कंप्लीट है कि उसमें ऑपरेटर भी प्रेजेंट है, प्रमोटर ऑफ जीन भी प्रेजेंट है, प्रमोटर ऑफ ओपेरॉन प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर जीन्स प्रेजेंट है, तो बेसिकली जो सारे जीन के स्ट्रक्चर हैं, जो सारे जीन में सीक्वेंस बने हुए हैं, वो जो सीक्वेंस है इसी को कॉमन वर्ड में सेट ऑफ जीन्स भी बोलते हैं। ठीक, तो ये सारे जो जीन्स एक साथ बाइंड हैं और जो जिन जीन में जब एक्टिविटी होगी वर्क होगा तो उसी को हम बोलते हैं ओपेरॉन। ठीक, तो ओपेरॉन हमने क्या देखा कि ओपेरॉन बेसिकली क्या है, तो ओपेरॉन वो है जो एक कंटिन्यूस एक कंटिजीनियस यूनिट बना हुआ है इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर जीन, जो अपने अंदर स्ट्रक्चर जीन को लेता है, ऑपरेटर को लेता है, प्रमोटर को लेता है, उसको हम बोलते हैं ओपेरॉन। अगर कोई भी चीज आपको पढ़नी है, गॉड एक मिनट, अगर आपको कोई भी चीज पढ़नी है या फिर कहते हैं कोई भी चीज आपको समझनी है, तो बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए, तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि उस आपको डायग्राम आना चाहिए। ठीक, डायग्राम अगर आ गया तो उसके बेस पे आप पूरा आंसर लिख लोगे, जैसे कि ओपेरॉन का डायग्राम आपको पता चल जाएगा कि ओपेरॉन में क्या होता है कि स्ट्रक्चर जीन प्रेजेंट होना चाहिए, ऑपरेटर प्रेजेंट होना चाहिए, प्रमोटर प्रेजेंट होना चाहिए, एक कंटिन्यूअस यूनिट प्रेजेंट होनी चाहिए, कंप्लीट कंटिन्यूअस यूनिट प्रेजेंट होगी उसी को हम बोलेंगे ओपेरॉन। ठीक है,
नाउ अब हम बात करते हैं इफेक्टर मॉलिक्यूल्स. व्हाट इज इफेक्टर मॉलिक्यूल्स? इफेक्टर मॉलिक्यूल्स बेसिकली छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, रिप्रेशर को बाइंड करते हैं, रिप्रेशर को अपने साथ जोड़ के रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टर मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पे बेसिकली कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, सुगर हो गया, ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जब रिप्रेशर को बाइंड करके रखते हैं, समझो ये रिप्रेशर का एक स्ट्रक्चर है. ठीक, ये रिप्रेशर का स्ट्रक्चर है. यहाँ पे अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं. अमीनो एसिड में जैसे कि अमीनो एसिड हमने डाल दिया वैल, या फिर हमने डाल दिया वैल के बाद हमने डाल दिया गिन. तो ये सब क्या है, अमीनो एसिड है ना, ये जुड़े हुए, समझो अमीनो एसिड. ये क्या कर रहे हैं, ये रिप्रेशर को जोड़े हुए हैं, जोड़ के रखे हुए हैं. ठीक है, उसके साथ साथ दीज आर कॉल्ड इंड्यूसर इन इंड्यूसिबल ऑपरेटर. एंड और क्या होता है कि जब इंड्यूसर में क्या, इसको इंड्यूसर भी बोलते हैं, लेकिन कब, जब इंड्यूसिबल ऑपरॉन जब आता है उस समय हम इसको बोलते हैं इंड्यूसिबल, इंड्यूसर बोलते हैं. और एंड कोऑपरेटर इन रिप्रेसर जीन, और रिप्रेसर जीन रिप्रेसर ऑपरॉन कब बोलते हैं, जब ये को रिप्रॉन होता है. तो बेसिकली देखो इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप बस इतना बताओगे कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स जो रिप्रेशर को बाइंड करके जो जोड़ने जोड़ते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स. और इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स और वो मॉलिक्यूल्स होता है जैसे कि कोई चीज अगर किसी चीज पे प्रभाव डाले. अब प्रभाव डालने का मतलब, जैसे कि कोई चीज कैसे आपको प्रभाव डालेगी, अब आपने एक मूवी देख ली, ठीक, समझो आपने एक मूवी देखी, आपको मूवी इतनी मस्त लगी, इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि क्या हुआ कि उसने आप पे एक इफेक्ट डाल दिया. इफेक्ट कैसे डाला कि समझो उसमें कुछ बहुत, समझो बहुत लॉजिकल चीजें हुई. तो क्या करोगे आप, इफेक्ट डाला जैसे कि उसने आपको समझो बता दिया कि गेम्स के लिए आपको बहुत कह दिया कि आप अगर मेहनत करोगे गेम्स आप पक्का कर लोगे, आपको गेम्स बहुत पसंद है. तो उसने क्या करा कि आपको प्रमोट किया, आप पे इफेक्ट डाला कि आप उसको कर लोगे. तो आप खुद ट्राई करोगे कि हाँ ठीक है अपनी लाइफ में हम इसको अप्लाई करेंगे. या फिर आपने किसी की क्या की, वो पढ़ ली, ऑटोबायोग्राफी पढ़ ली आपने, तब वो आपके लाइफ में इफेक्ट कर दिया. या फिर आपने कहते किसी थॉट को पढ़ लिया, वो इफेक्ट हो गया. आपने किसी एक्ट को देख लिया, वो इफेक्ट कर दिया. तो बेसिकली जो चीज आप पे इफेक्ट डाले या फिर किसी भी चीज पे इफेक्ट डाले उसको हम बोलते हैं इफेक्टर. तो यहाँ पे इफेक्ट डालने का, रिप्रेशर पे इफेक्ट कौन डाल रहा है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स डाल रहे हैं. स्मॉल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, अमीनो एसिड हो गया, सुगर हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं कि एक साथ रिप्रेशर को जोड़ दे रहे हैं. तो ये जब जोड़ दे, मतलब रिप्रेशर एक साथ रिप्रेशर को जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये रिप्रेशर पे इफेक्ट डाल रहे हैं. ठीक, और ये जो मॉलिक्यूल जो इफेक्ट डालता था, जैसे कि इंड्यूसर का क्या काम होता था, इंड्यूसर क्या काम करता था, इंड्यूसर भी तो एक तरह से क्या हुआ, इफेक्टर ही तो हुआ. जो टीचर थे, टीचर और पेरेंट, वो बच्चे को क्या कर रहे थे, इफेक्ट डाल रहे थे ना, इफेक्ट डाले तभी तो बच्चे पे इफेक्ट पड़ा. आप कैसा इफेक्ट डाले, जैसे कि उन्होंने बताया कि बेटा आप कर लोगे इसको, आप पक्का कर लोगे 110% आप इसको कर लोगे, तो बच्चे पे अच्छा इफेक्ट पड़ा कि हाँ वो कर सकता है. ठीक है, तो इसलिए इंड्यूसर भी इफेक्टर का काम हुआ. ठीक, साथ ही साथ को रिप्रेशर भी इफेक्टर का काम किया. अब को रिप्रेशर इफेक्टर का काम इसलिए किया क्योंकि जो को रिप्रेशर है ये रिप्रेसिबल ऑपरेटर में क्या होता है, उसकी हेल्प करता है. ठीक, वर्ल्ड मतलब होता है कि उसके साथ जुड़ना, कॉपरेट करना. ठीक, नाउ लैक, अब आपका मेन शुरू होता है लैक, इसी पे आप चलते ना, लैक ऑपेरॉन. देखो लैक जो ये वर्ल्ड शुरू है, इसको ध्यान से देखना. तो हम बेसिकली लैक किससे पढ़ रहे हैं, किसमें पढ़ रहे हैं, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन में हम पढ़ने जा रहे हैं लैक. ठीक, तो ये चीज देखो, एक चीज ध्यान दो, ये जो हमने पढ़ा था कल, ये तीनों नाम बताओ, ये नाम से आप फैमिलियर हैं कि नहीं, यस और नो लिखिए फट से, जल्दी जल्दी लिखो, इन तीनों नाम से आप फैमिलियर हैं. द लैक ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई कंटेन अ प्रमोटर. जो लैक ओपेरॉन है ई कोलाई में, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो क्या करता है, एक प्रमोटर को कंटेन करता है. स्वाभाविक सी बात है प्रमोटर कंटेन करता है. अब जैसे कि कैसे प्रमोटर को ये कंटेन करता है, मतलब कैसे कंटेन, मतलब होता है अपने साथ लेके चलना. ठीक है, तो कैसे इस चीज को लाता है, तो लैक ओपेरॉन जो होता है बेसिकली इस तरह से प्रमोटर कंटेन करता है कि जब हमने थ्री स्ट्रक्चर जीन, ये जो मैंने आपसे कल कहा था ना
ये जो जीन है इनके नाम आप जरूर याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट, आगे आपके लगातार ही चलते चलेंगे। ठीक है, देखो आ गए तीनों नाम। तो देखो ये तीन जीन को अपने साथ लेके चलता है। ठीक, ये क्या करता है कि जो लैक ओपेरॉन है, यही आप कहते हो ना कि लैक ओपेरॉन क्या है, लैक ओपेरॉन क्या है, तो लैक ओपेरॉन अपने साथ ई कोलाई बैक्टीरिया को और किसको किसको, प्रमोटर को, ऑपरेटर को और स्ट्रक्चर जीन को। अब एक चीज हमको फटाक से लिख के बताओ कि ये प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चर जीन, अभी हमने जस्ट किसका डिफिनेशन पढ़ा कि ये तीनों शब्द आए थे, प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चर जीन, किस में आया था ये जल्दी बताओ, हम भी देखें, अभी अभी जस्ट पढ़े हैं। लिखो, कौन सा ऐसा चीज है जिसमें प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चर, जीन ये तीनों एक साथ आए हैं, अभी किसकी डिफिनेशन हमने पढ़ी? गलत, बेहद गलत। ओपेरॉन, ओपेरॉन की डिफिनेशन हमने पढ़ी, तो ओपेरॉन हमने देखा कि उस कंडीशन में प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चर जीन, जिसको आपने सेट ऑफ जीन बोला था, सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ जीन जिसको बोला था, तो बेसिकली सिर्फ एक सेट, इसका जीन, जीन का एक सेट नहीं होता है, सेट ऑफ जीन के साथ साथ उसमें प्रमोटर, ऑपरेटर ये दोनों भी प्रेजेंट होते हैं। तो लैक ओपेरॉन क्या करता है कि लैक ओपेरॉन ई कोलाई के साथ साथ प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चर जीन, इन तीनों को अपने साथ लेके चलता है। इफेक्टर भी, बच्चा बेसिकली क्या होता है ना, इफेक्टर क्या करता है, किसी भी चीज पे इफेक्ट डालने का काम करता है। ठीक है, वो जैसे कि वो क्या करता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लेके रिप्रेशर को बाइंड करता है, वो होता है इफेक्टर। ठीक है, और क्या करता है इफेक्टर, जैसे कोई भी चीज प्रभाव डाले, जैसे कि इंड्यूसर हो गया तो वो इफेक्टर के काम आ जाएगा, को रिप्रेशर हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब इफेक्टर कहलाएंगे। ठीक, और अगर ओपेरॉन की बात चल रही है तो यहाँ पे लैक ओपेरॉन बता रहा है कि लैक ओपेरॉन अपने साथ, ओपेरॉन के बाद अगर बात चले बेसिकली ओपेरॉन ले लें, तो ओपेरॉन क्या करेगा कि अपने साथ एक कंटिन्यूअस जीन सीक्वेंस को लेकर चलेगा, जो कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, ओपेरॉन हो सॉरी ऑपरेटर होगा, प्रमोटर होगा और स्ट्रक्चर जीन होगा, ये तीन चीज उसके साथ प्रेजेंट होंगी। ठीक, उसको हम बोलेंगे ओपेरॉन। किसी ने आपसे डेफिनेशन पूछ लिया कि व्हाट इज ओपेरॉन, आप तुरंत बता देना, आर कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ अ जीन विच कंटेन और विच इन्वॉल्व और विच कंटिन्यूड, इन तीनों वर्ड में से कोई भी वर्ड यूज कर लेना, ऑपरेटर, प्रमोटर एंड स्ट्रक्चर जीन, इट इज नोन एज और इट इज कॉल्ड ओपेरॉन। बस कहने का ये मतलब है कि एक एक लगातार सतत प्रक्रिया में चलने वाला, एक सतत प्रक्रिया में चलने वाला एक जीन, जीन को जीन ही बोलेंगे ना, जीन जो है जो कि अपने साथ प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चर जीन को लेके चले, उसको हम बोलते हैं ओपेरॉन। ठीक, अब ब्लैक ओपेरॉन अपने साथ इन तीन चीजों को लेकर चलता है, और साथ ही साथ वो स्ट्रक्चर तीन, जो थ्री स्ट्रक्चर जीन है, वो थ्री स्ट्रक्चर जीन है कौन से जीन, तो आपके बीटा ग्लाइकोसाइडेज, बीटा ग्लाइकोसाइड परमिडेज, बीटा ग्लाइकोसाइड ट्रांसएसिटिलेज। ठीक है, इन तीनों नाम से बड़े बली भांति परिचय हैं। ये बेसिकली तीनों क्या काम करते हैं, लैक्टोज और ग्लूकोज वाला काम करते हैं ना। देखो अब ये थोड़ा डायग्राम देखो, अब किसका ये डायग्राम है, तो ओपेरॉन इंडक्शन का डायग्राम है। ठीक, ये किसका डायग्राम है, ओपेरॉन इंडक्शन। अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हो किस तरह से बना हुआ है, देखो इसमें बेसिकली क्या है, ये पी आर, पी आर क्या है, प्रमोटर ऑफ रेगुलेटर जीन, याद आया, ये आर क्या है, रेगुलेटर जीन हो गया, फिर ये क्या है, ये क्या है डियर, तो ये जो है ये आरएनए पॉलीमरेज है जो कि ट्रांसक्रिप्शन इसमें ब्लॉक है। अब ये कंडीशन बताओ कि आरएनए पॉलीमरेज कौन से समय ब्लॉक्ड हो जाता है, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि जब एक ऐसी कंडीशन आती है कि उस समय आरएनए पॉलीमरेज वो वर्क, कौन सी कंडीशन, नहीं याद आ रहा है, दिखा देते हैं ज्यादा सही होगा, कहाँ गया, देखिए मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है,
अब बताओ, मेरी आवाज ठीक आ रही है? ठीक, तो बताओ पहले वो कौन सी कंडीशन है जिसके आने पे ये जो आपका ट्रांसक्रिप्शन ये ब्लॉक हो जाता है? नहीं याद आ रहा, ये देखो, व्हेन रिप्रेशर इज बॉन्डेड टू ऑपरेटर, जब रिप्रेशर ऑपरेटर से जुड़ा हुआ होता है, बंधा हुआ होता है, तो उस समय क्या होता है? स्ट्रक्चर जीन का ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं होता है, याद है? तो बेसिकली यहाँ पे डायग्राम अगर आप ध्यान से देखो तो डायग्राम क्या आपको बता रहा है? डायग्राम कहता है कि इस समय क्या है, आरएनए पॉलीमरेज मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ब्लॉक है। क्यों ब्लॉक है? क्योंकि जो प्रमोटर है ऑपरेटर वाला, ठीक है, जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर ऑफ रेगुलेटर जीन, अब ये ऑपरेटर और ये जो रेगुलेटर जीन है, ये क्या हुए? दोनों एक साथ आ गए। जब ये दोनों एक साथ आ जाएंगे डियर, तो क्या हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक हो जाएगा। ठीक, अब जब इसमें से एक एक्टिव एक इनएक्टिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो ऑन हो जाएगा। अब देखो बेसिकली डायग्राम क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, और क्लीन कर दे पहले तो। आरएनए पॉलीमरेज ही, ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि हमको ये पता है प्रमोटर ऑफ रेगुलेटर जीन, और ये रेगुलेटर जीन है। यहाँ पे बात छोड़ो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये रेगुलेटर जीन है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ से ट्रांसफर होके इधर साइड जा रहा है, ठीक, ऊपर की तरफ। जब ये इधर जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे से बाइंड हो जाएगा। ये पी क्या है, बेसिकली सिर्फ एक पी था, क्या था? तो पी जो था आपका क्या था, प्रमोटर था ना, प्रमोटर ऑफ ऑपरेटर। तो ये क्या है कि इधर से ऊपर की तरफ जाएगा, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये देखो लाइन, रिप्रेशर बॉन्ड टू ऑपरेटर, ये जो रिप्रेशर है, क्योंकि हमने डायग्राम में देखा था कि जो रिप्रेशर है वो किस तरह से, वो कुछ इस तरह से शो कर रहा है, रिप्रेशर इस तरह से शो करेगा अपने आप को। ठीक, वही हम इंड्यूसर की बात करेंगे तो इंड्यूसर एक छोटा सर्कल में आपको शो करेगा। ठीक, इंड्यूसर एक छोटा सा सर्कल, और जो आपको ये कहते हैं, ये समझो एक तरह से कैसे एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर ही है, समझो यहाँ से ट्रेन वेन जा रही है, ले ट्रेन जाने लगी, ठीक है, तो क्या हुआ, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर ही तो है ये ना। तो ये जो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होगा ये क्या करेगा, रिप्रेशर, जो गोला है वो क्या करेगा, इंड्यूसर। तो जब आपका ये रिप्रेशर जो है वो जाके ऑपरेटर से जुड़ जाएगा, अभी हमने जस्ट यही पढ़ा कि जब रिप्रेशर जाके ऑपरेटर से जुड़ जाएगा तो उस समय जो ट्रांसक्रिप्शन है वो नहीं होगा, वो वहां पे नहीं आएगा, इसका मतलब वो ब्लॉक हो गया। ठीक, और उस समय क्या होगा कि इंड्यूसर वहां पे हम जाके जोड़ेंगे कि जिससे वो ऑन हो जाए, चलने लगे। तो ये डायग्राम किसका है, इंडक्शन का डायग्राम है। ठीक है, अब एक और डायग्राम देखो, क्या हुआ कि बाकी जुड़ा, ठीक, जुड़ने के बाद क्या हुआ, जुड़ा था वो, अब हमने क्या किया कि जितने भी रिप्रेशर थे उनमें हमने एक एक इंड्यूसर लगा दिया। ठीक, यहां से हमने रिप्रेशर हटा दिया क्योंकि यहाँ पे हमने जस्ट अभी डायग्राम देखा तो इस तरह से कहते हैं बना हुआ था। हमने क्या किया कि हमारे पास तीन रिप्रेशर थे, हमने उन तीन रिप्रेशर में एक एक इंड्यूसर लाके जोड़ दिया। जब हमने जोड़ दिया तो हम देखते हैं कि भले ऑपरेटर प्रेजेंट है, लेकिन हमने जब जोड़ दिया तो SG1, SG2, SG3, अब ये G1, G2, G3 क्या है, जीन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जो स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन 1, स्ट्रक्चरल जीन 2, स्ट्रक्चरल जीन 3, हमने तीन देखे हैं, याद है, बीटा ग्लाइकोसाइडेज, बीटा ग्लाइकोस पॉलीमरेज, हाँ, प्राइमरेज और बीटा ग्लाइको साइड पॉली एसिटेट, ठीक, या सॉरी ट्रांस एसिलेटेड, ये हमने तीन देखे थे। तो यही ये तीन धन है, हमने क्या किया, देखो कैसे हम इंड्यूसर का काम, इंड्यूसर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो हमें देखना होगा इंड्यूसर हम कैसे लाते हैं कि जो रिप्रेशर था उसने जाके उसको ब्लॉक कर दिया। जब उसने जाके उसको ब्लॉक किया है तो हम इंड्यूसर लाते हैं। इंड्यूसर क्या करता है कि रिप्रेशर को वहां से हटा देता है, उसकी जगह से वो उसको हटा देगा। जब उसको किसको हटाएगा, रिप्रेशर को, जब वो रिप्रेशर को हटाएगा तब क्या होगा, हाँ
जब वो हट जाएगा रिप्रेशर, आपको अच्छे से पता है रिप्रेशर हटते ही जो ऑपरेटर से जुड़ा हुआ है, ऑपरेटर क्योंकि कोई देखो कोई भी चीज ऑपरेट कर रही है, लगातार चल रही है। अब जैसे कि समझो आप काम कर रहे हो, ठीक, अब मैं समझो आप क्या इस समय, आप इस समय ऑपरेटर हो, आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है, आप लिखने का काम कर रहे हो। अब मैं क्या करूंगी, मैं आऊंगी, ठीक, मैं आऊंगी और आपसे मैं बात करने लगूंगी, पता है आज हम लोग यहाँ घूमने गए थे, आज पता है ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हम यहाँ देखें वो देखें ये, तो हम क्या कर रहे हैं आपको, हम रिप्रेशर हो गए आपके लिए, हम रिप्रेशर इस तरह से हो गए क्योंकि आप अपने को कर रहे थे और वो आपका जो काम है वो गया, रिप्रेशर हो गए। आप क्या काम कर रहे थे, जैसे आप लिखने का अपना काम कर रहे थे, जो आपका काम हो रहा था, जो आपने नोट्स बना, तो वो जो नोट्स आपका बन रहा था वो क्या था आपका, वो ट्रांसक्रिप्शन आपका प्रोटीन था। अब वो जो ट्रांसक्रिप्शन आप प्रोटीन बना रहे थे वो रुक गया, क्यों रुक गया, क्योंकि मैं रिप्रेशर हूँ, आप इंड्यूसर हो, आप अपना सॉरी आप ऑपरेटर हो, जो हम लोग हैं समझो, एक तरह से मैं एग्जाम्पल बना, ठीक है, ये मैं, ये आप लोग हो, ठीक, और एक और लोग को बनाते हैं, समझो ये मम्मी है, ठीक, अब ये तीन लोग हैं, ये मैं हूं, ये आप हो, ए लगा देती हूँ, आप हो, और ये कौन है, ये हिटलर मम्मी, ठीक। आप क्या कर रहे थे, क्या बैठ के लिख रहे थे, अपना नोट्स बना रहे थे, लिख रहे थे, आप लगातार पेन से लिख रहे हो, समझे, लिख रहे हो, ठीक। अब मैं आई, आपसे बात करने लगी, तो जो आप लिख रहे हो वो क्या हो गया, आप ट्रांसक्रिप्शन का काम कर रहे हो, मैं रिप्रेशर बन के आई, आप ऑपरेटर बन के लिख रहे थे, मैं आपसे बात करने लगी, आपका ये जो लिखने वाला काम है रुक गया। अब हिटलर जो है मम्मी है वो इंड्यूसर बन के आई और मुझे वहां से हटा दी, जब मुझे वहां से हटा दी तो क्या करते हैं, इंड्यूसर जो है ऑपरेटर से जाके जुड़ जाता है ना, उसको हटा देता है वहां से, मुझे जब हटा देंगी तो आप अपना काम फिर से करने लगोगे ना। तो बेसिकली यही पे यही चीज हो रहा है कि जो इंड्यूसर था वो प्रेशर को हटा देता है, तो जो ऑपरेटर है फिर से अपना काम बेसिकली करने लगता है, ठीक। अब देखो अब काम क्या रहता है ये भी जानना जरूरी होता है, आप एक चीज देख लो, पॉलीपेप्टाइड 1, पॉलीपेप्टाइड 2, पॉलीपेप्टाइड 3, ये तीन चीज देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या होता है डियर बेसिकली कि ये जो है ये बाइंड है, ये एमआरएनए बाइंड है, ठीक, ये जो बाइंड है ये बेसिकली क्या होता है कि एमआरएनए बाइंड जो होता है ये राइबोसोम्स ट्रांसलेट एमआरएनए है, ये जाके यहाँ पे जुड़ता है, जब क्या कहते हैं ये बाइंड रिपीट नहीं करता, कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर, ये बाइंड इसलिए ऑपरेटर को वो नहीं कर सकता, बाइंड कर सकता है, क्योंकि जब क्या कहते हैं इंड्यूसर और ऑपरेटर वहां से कॉम्प्लेक्स मतलब वहां से हट जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, तो वो उसको कैन नॉट, वो ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाएगा। अब ऑपरेटर को बाइंड कैसे नहीं कर पाएगा, ये थोड़ी सी बात हमको समझ में नहीं आई, बड़ी किताबी लैंग्वेज आपने बता दी। अब देखो मैं किताबी लैंग्वेज से हट के थोड़ा सा रियल लाइफ में आती हूँ, जैसे कि अभी मैंने ये डायग्राम आपको दिखाया, ठीक, मैंने इस डायग्राम को दिखाया, अब एक स्वाभाविक सी बात बताओ, जब मैं आपका रिप्रेशर बन के आई तो आपकी मम्मा जो मम्मा है उन्होंने मुझे हटा दिया, जब वो इंड्यूसर बन के मम्मी इंड्यूसर बन के मुझे जैसे रिप्रेशर को हटा दी जो मैं आपको रोक रही थी, तो जब मैं हट जाऊंगी तो क्या आपके आपके चलने में या फिर आपके कोई काम करने में रुकावट आएगी, नहीं, लेकिन मैं आपको मतलब मैं आपसे मिल पाऊंगी, नहीं, जब मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगी, मेरा आपसे कनेक्शन नहीं बन पाएगा, तो आपकी मेरे साथ बॉन्डिंग कैसे होगी। लेकिन अगर वही इंडक्शन या फिर इंडक्शन सिर्फ जाके ऑपरेटर से मिले, चाहे मम्मा सिर्फ आपसे जाके मिले या फिर सिर्फ मैं ही आपसे मिलूंगी, तो दोनों की बॉन्डिंग हुई ना, वरना आप ऐसे कैसे रह जाओगे, आप ऐसे अकेले रह जाओगे, ठीक। अब एक और चीज देखो, यहां पे क्या कर रहा है, प्राइमरेज पंप्स लैक्टोज इन टू अ सेल, एक चीज याद रखो, ये जो है स्ट्रक्चरल जीन 2 है, याद आया स्ट्रक्चरल जीन 2 कैसे हुआ,
वहां पे हमने बेसिकली पढ़ा था कि जो लैक्टोज है वो क्या होता है कि सेल्स में जाता है, इसको ये कहते हैं पंप करता है प्राइमरीज, याद है हमने पढ़ा था ना, बीटा ग्लाइकोसाइड प्राइमरीज, प्राइमरीज पढ़ा था हमने ना, तो वो हमको पता है कि लैक्टोज जो है वो क्या होता है कि वो जाके सेल्स में पंप होता है। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्लीव्स लैक्टो, देखो बेसिकली सारी वही चीज है, एक चीज रखना, ये जो हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों लाइन हम पढ़ चुके हैं, कल ही हम पढ़ चुके हैं कि जो बीटा ग्लैक्टोसाइड है वो क्या करता है, ग्लूकोज सॉरी लैक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज में तोड़ता है, ठीक याद आया, ये दोनों लाइन जो है ये प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं। लैक रेगुलेटर, या रेगुलेटर क्या बोल रहे हैं, आरजीन कोड फॉर रिप्रेशर डिराइव फ्रॉम प्रोमोटर, ठीक। तो ये जो लैक रेगुलेटर है, ये लैक रेगुलेटर क्या करता है, लैक रेगुलेटर आप जो लैक रेगुलेटर है वो क्या करता है कि जो आपका रिप्रेशर है, ठीक है, रिप्रेशर जो होता है ये जब क्या कहते हैं ये प्रमोटर से जाके मिलता है तो वहां पे जाने को ये रोकता है, ठीक, ये रोकेगा, इसीलिए ये क्या है, ये पीआर इसको बोलते हैं, ये कैपिटल छोटा सा आर इसको पीआर बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है प्रमोटर ऑफ रिप्रेशर, ठीक। लैक रिप्रेशर इज अ टेट्रामर, जो टेट्रामर मतलब होता है, टेट्रा वर्ड से हमको समझ में आता है, जैसे कि हमने बाय बोल दिया, मोनो बोल दिया, सिंगल हो गया, बाय बोल दिया डबल हो गया, ट्राई बोल दिया ट्रिपल हो गया, टेट्रा बोल दिया मतलब चार। तो बेसिकली जो रैक रिप्रेशर है वो क्या करता है कि आर जो जीन है, मतलब रिप्रेशर जीन रेगुलेटर जीन दोनों में से कोई भी जीन, इन दोनों जीन या फिर कोई एक सिंगल जीन ही बात कर लो, इनके प्रोडक्ट की चार चार कॉपी बना देता है। कितनी कॉपीज बनाता है डियर, चार कॉपीज बनाता है, ठीक। और क्या बात करता है, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर के एब्सेंस में क्या होता है कि जो रिप्रेशर है वो किससे जुड़ जाता है, ऑपरेटर से, प्रिवेंट करता है। देखो ये चीज हमने एक चीज ज्यादा डायग्राम से हमने पढ़ लिया कि जब इंड्यूसर नहीं रहता है तो रिप्रेशर ऑपरेटर से जुड़ जाता है, जिसकी वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड नहीं कर पाता, ठीक है, बाइंडिंग का काम नहीं कर पाता है, और जो स्ट्रक्चर जीन है वो आगे प्रोसीड नहीं पाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि अगर ये जब इंड्यूसर आ जाएगा तो इंड्यूसर क्या करेगा, रिप्रेशर को अपने साथ लेके चला जाएगा, जैसे कि मैं थी, मैं रिप्रेशर थी आपके लिए, आप ऑपरेटर थे, ठीक है, मैं अगर कहते आप जैसे अपना काम कर रहे थे, आप अपना क्या काम कर रहे थे, समझो लिखने का काम कर रहे थे, नोट्स बनाने का, तो वो नोट्स क्या है आपके लिए, आप ट्रांसक्रिप्शन का काम कर रहे थे, ठीक है, और आप क्या हो इस समय, आप क्या हो, हाँ आप ऑपरेटर हो, ठीक, ऑपरेटर क्या काम कर रहा है, आप ट्रांसक्रिप्शन का काम कर रहे थे, मैं रिप्रेशर आके आपको रोक दी, आपसे बाइंड हो गई, रुक गई, अब वही इंड्यूशन मतलब हिटर मतलब बन के, मम्मा जब आई मुझे कहीं वहां से, बेटा तुम जाओ बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है मेरा, तो मैं वहां से चली गई, तो फिर से आप क्या करने लगे, ऑपरेटर अपना बन के ट्रांसक्रिप्शन काम करने लगे, ठीक। तो सेम बेसिकली चीज यहाँ पे वो ये चीज बता दिया जो हमने डायग्राम में भी पढ़ा। फिर कह रहा है हाउ एवर फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीन, अब देखो कुछ जो मतलब मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट है, अब फ्यू मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट, आप एक छोटी सी बात बताओ कौन से मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट हो गए, वही लैक्टोज हुआ ना, लैक्टोज ग्लूकोज लैक्टोज, ये तीन तो चीज हुए। तो ये क्या करते हैं कि जीन एक्स वाई जेड, एक्स वाई ए, जैसे कि जीन एक्स वाई ए कौन सी जीन, वही तीन स्ट्रक्चर जीन जो हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, बीटा ग्लैक्टोसाइड प्राइमरेज, बीटा ग्लैक्टोसाइड ट्रांस एसिलेट, ये चीज हम तीन पढ़ रहे हैं कि क्या काम करते हैं, ये रिप्रेशन को जाके इसके ब्रेकडाउन लेवल पे उसके एंजाइम की एक्टिविटी को प्ले करते हैं, ठीक है। नाउ दिस बैकग्राउंड लेवल ऑफ एक्टिविटी, ये जो बैकग्राउंड लेवल है एक्टिविटी का, ये इनिशियल है फॉर इंड्यूसर, ये इंड्यूसर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑफ लैकोपेरोन। अब आप सोच रहे होगे कि क्या जरूरी है, क्या मतलब ऐसा इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज इंड्यूसर इज नॉट लैक्टोज, बट ऑल लैक्टोज, जो इंड्यूसर है वो लैक्टोज नहीं होता है लेकिन ऑल लैक्टोज होता है। देखो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जो ये लैक ओपेरॉन, इसमें क्या होता है, किस केस में किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो इंड्यूसर होता है वो लैक्टोज नहीं है लेकिन ऑल लैक्टोज, कहने का ये मतलब है कि इस समय इसके पास ग्लूकोज लैक्टोज ये दोनों प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑल लैक्टोज।
ठीक है, इसलिए स्क्रीन प्रिंट इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो तीन, ये जो तीन प्रोटीन थे बीटा करके जो तीनों आ रहे थे जीन, वो तीनों जीन इन्वॉल्व हो रहे थे, ठीक, इसलिए और इम्पोर्टेंट है ये। साथ ही साथ क्या है, ऑल एलोलैक्टोज इज प्रोड्यूस बाय बीटा गैलेक्टोसाइड एंड इट्स, देखो देखो सेम बेसिकली बात वही ना, कि इन तीन प्रोटीन का आया ना नाम कि किससे बन रहा है, एलोलैक्टोज किससे बन रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइड से बन रहा है, इस वजह से ये किसका है, दूसरा फॉर्म है लैक्टोज का, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो एलोलैक्टोज ये करता है कि एलोलैक्टोज क्या करता है कि जो रिप्रेशर उसको जोड़ने का काम करता है, ठीक, रिप्रेशर रिलीज फ्रॉम ऑपरेटर, ये आपको पता है जब ये कहते हैं जब एलोलैक्टोज आता है, एलोलैक्टोज वही समझो इंड्यूसर है, इंड्यूसर आया रिप्रेशर से जुड़ा और रिप्रेशर ऑपरेटर से दूर हुआ, और दूर होने के बाद क्या करते हैं उसने इंडक्शन का, फिर इंडक्शन का प्रेयर होता है और स्ट्रक्चर जीन चलता है, क्योंकि आपको पता है कि जब इंडक्शन आएगा तभी टर्न ऑफ ही कंडीशन होगी, और जब टर्न ऑफ ही कंडीशन होगी तो उस समय क्या होगा कि उस समय टर्न ऑफ ही कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन का जो रोल है वो प्ले होगा, मतलब प्रोटीन बनेगा। अगर टर्न ऑफ की सॉरी टर्न ऑन की कंडीशन आएगी तब क्या कहते हैं आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद प्रोटीन बनेगा और स्ट्रक्चर जीन जो है आगे की तरफ प्रोसीड होगा, ठीक। लेकिन अगर वही टर्न ऑन की कंडीशन नहीं आती है तो उस समय क्या होगा डियर, कि वो आपका इंड्यूसर नहीं आएगा, इंड्यूसर नहीं आएगा, फिर वो टर्न ऑफ की कंडीशन हो जाएगी, और उस समय क्या होगा कि जो रिप्रेशर है वो ऑपरेटर से जाके जुड़ जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन मतलब प्रोटीन बनने का काम नहीं होगा, ठीक।